A very warm welcome to all the students of class 12 biology. Myself Shivani from St. Javier's High School, Sidhuapar, Badhavan. Today we are going to discuss chapter 6, molecular basis of inheritance, topic pairing of nitrogenous bases. इससे पहले वाले वीडियो में भी स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि नाइट्रोजिनस बेसिस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, क्या बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास कार्बन और नाइट्रोजन की रिंग होती है, ठीक है. तो टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन. प्यूरीन्स के पास दो रिंग होती है, एक कार्बन की रिंग है, नाइट्रोजन की रिंग, और पिरिमिडीन के पास एक सिंगल रिंग होती है जिसमें कार्बन के पास नाइट्रोजन अटैच होता है. टू टाइप्स ऑफ प्यूरीन्स आर देयर, एडेनिन एंड ग्वानिन. और पिरिमिडीन्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, थाइमीन जो कि सिर्फ डीएनए में मिलता है, साइटोसिन, और यूरेसिल जो कि सिर्फ आरएनए में मिलता है. तो कल न्यूक्लियोटाइड्स की पेयरिंग बताई थी कि जो ये नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं ये डीएनए के अंदर, ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं, ठीक है. तो इस तरह से जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो डीएनए के चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी बताया था कि प्यूरीन्स कभी भी प्यूरीन्स के साथ नहीं कंबाइन होंगे, या पिरिमिडीन कभी पिरिमिडीन के साथ कंबाइन नहीं होगा, हमेशा एक प्यूरीन के साथ दूसरा पिरिमिडीन ही लगेगा. तो चेन के अंदर भी यही होता है कि प्यूरीन के साथ पिरिमिडीन, फिर पिरिमिडीन के साथ प्यूरीन, फिर पिरिमिडीन, फिर प्यूरीन, ये ऐसे अल्टरनेट चलता रहता है, ठीक है. यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से, यानी कि एक बार प्यूरीन है, दूसरी बार पिरिमिडीन है, फिर पिरिमिडीन है, फिर प्यूरीन है. नाइट्रोजिनस बेसिस इन कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि जब चेन के अंदर ये नाइट्रोजिनस बेसिस अटैच होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. अगर एक प्यूरीन है तो दूसरा पिरिमिडीन. प्यूरीन ऑलवेज पेयर्स विथ पिरिमिडीन, हमेशा प्यूरीन किसके साथ पेयर करेगा, पिरिमिडीन के साथ. नेवर टू प्यूरीन्स और पिरिमिडीन पेयर विथ ईच अदर, कभी भी दो प्यूरीन्स के बीच में, यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एडेनिन ग्वानिन आपस में पेयर कर जाए या थाइमीन साइटोसिन पेयर कर जाए. हमेशा एडेनिन की पेयर किससे होगी, ये पहले बता चुकी हूँ कि एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, थाइमीन के साथ, और ग्वानोसिन किसके साथ पेयर करता है, साइटोसिन के साथ. और क्योंकि आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं मिलता है तो आरएनए के अंदर एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, यूरेसिल के अंदर, यूरेसिल के साथ, अंदर नहीं, यूरेसिल के साथ. इन द चेन इफ वन साइड प्यूरीन इज प्रेजेंट अनदर साइड पिरिमिडीन विल बी प्रेजेंट एंड वाइस वर्सा, अगर चेन में एक साइड प्यूरीन प्रेजेंट है तो दूसरे साइड पिरिमिडीन प्रेजेंट होगा, और जब पिरिमिडीन प्रेजेंट होगा तो प्यूरीन होगा. वाइस वर्सा मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा. एडेनिन प्यूरीन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमीन पिरिमिडीन, यानी एक एडेनिन हमेशा किससे पेयर करेगा, थाइमीन से, विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड टी. ग्वानिन विल ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी कि ग्वानिन की पेयरिंग हमेशा किससे होगी, साइटोसिन के साथ, और इसका जो बॉन्ड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड. इन आरएनए एडेनिन पेयर्स विद यूरेसिल बिकॉज थाइमीन इज फाउंड ओनली इन डीएनए, पहले ही बता दिया कि आरएनए के अंदर क्योंकि थायमीन प्रेजेंट नहीं होता है, थायमीन को कौन रिप्लेस करेगा, यूरेसिल. तो एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा, यूरेसिल के साथ. अब ये नाइट्रोजिनस बेसिस का जो पेयरिंग है इसके लिए कुछ रूल्स हैं, चारगाफ रूल कहते हैं इनको, ये भी हम लोग पढ़ेंगे. एप्लीकेबल ओनली ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को शॉर्ट फॉर्म में डीएस डीएनए लिखते हैं. तो जो चारगाफ रूल है, मे बी ये वन मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि जो चारगाफ रूल है क्या वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पे या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे एप्लीकेबल है, तो नहीं. आंसर क्या होगा, नो, चारगाफ रूल इज ओनली एप्लीकेबल ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए. तो रूल नंबर वन क्या है, थोड़े पॉइंटर्स हैं इसके अंदर. अमाउंट ऑफ प्यूरीन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन. तो चारगाफ रूल में सबसे पहला रूल क्या है, जितना अमाउंट प्यूरीन का प्रेजेंट होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा, ठीक है. प्यूरीन विल ऑलवेज बी इक्वल टू पिरिमिडीन. सपोज 10 प्यूरीन्स आर प्रेजेंट, सो इन दिस सम विल बी एडेनिन एंड सम विल बी ग्वानिन. सिमिलरली इन 10 पिरिमिडीन सम विल बी थाइमीन एंड सम विल बी साइटोसिन. अब
प्यूरीन एंड पिरिमिडीन तो प्रेजेंट होंगे ही, और जितना प्यूरीन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, प्यूरीन भी दो तरीके के हैं और पिरिमिडीन भी दो तरीके के हैं। यहाँ पे सिर्फ डीएनए की बात हो रही है। अब ये कोई नहीं कह देगा कि मैम अभी तो आप बताई थी कि पिरिमिडीन तीन तरीके के होते हैं, जो यूरेसिल है वो सिर्फ आरएनए में है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले यहाँ लिखा हुआ है कि डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए में दो प्यूरीन है और दो पिरिमिडीन है। प्यूरीन कौन से हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। और पिरिमिडीन कौन से हैं? थाइमिन एंड साइटोसिन। तो समझ लीजिए, एक इमेजिनेशन कीजिए कि डीएनए का एक स्ट्रैंड है, डीएनए का एक चेन है, जहां पे 10 प्यूरीन है। तो 10 प्यूरीन है तो 10 पिरिमिडीन भी होंगे, ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन 10 में से प्यूरीन कितने एडेनिन है, कितने ग्वानिन है, ये तो कोई फिक्स नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि 5 एडेनिन है तो 5 ग्वानिन होगा, तो 5 थाइमिन होगा, तो 5 साइटोसिन होगा, ये तो फिक्सेशन नहीं है। ठीक है, चाहे एडेनिन भी ज्यादा हो सकता है, ग्वानिन भी ज्यादा हो सकता है। तो जितना जो भी चीज ज्यादा होगा वो जिसके साथ पेयर करेगा वो उतने नंबर में प्रेजेंट होगा। जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर कर रहा है, तो अगर एडेनिन 4 है तो थाइमिन भी 4 होगा, तो ग्वानिन कितना हो जाएगा? 6। तो साइटोसिन भी कितना होगा? 6। अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन। अभी यही बताया था कि जितना एडेनिन है उतना ही क्या होगा? थाइमिन होगा, और जितना ग्वानिन है उतना क्या हो जाएगा? साइटोसिन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अलग कोई भी रूल नहीं है इसमें। अमाउंट प्यूरीन 10 है, पिरिमिडीन 10 है। तो सपोज कर लेते हैं, जैसे अभी जो मैंने बताया उसमें ये मैंने क्या बताया कि अगर सपोज करते हैं कि 10 प्यूरीन है और 10 पिरिमिडीन है। ठीक है, तो 10 प्यूरीन में से सपोज करते हैं कि 3 एडेनिन है, तो अगर एडेनिन 3 है तो थाइमिन भी 3 होगा, तो बचा क्या? ग्वानिन बचा, तो 7 ग्वानिन होगा, तो 7 साइटोसिन भी होगा। इन दोनों से मतलब नहीं है कि ये दोनों, अगर टोटल मिला लिया जाए तो 10 ही है, ये दोनों इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितना ये होगा उतना ही ये होगा, या जितना ये होगा उतना ही ये होगा। कहने का मतलब क्या है? जितना एडेनिन उतना थाइमिन, जितना ग्वानिन उतना ही साइटोसिन। प्यूरीन ऑलवेज बी इक्वल टू पिरिमिडीन, या 10 प्यूरीन है और 10 पिरिमिडीन है। अब प्यूरीन में कौन सा प्यूरीन है ये नहीं पता। तो सपोज करते हैं कि 20 नाइट्रोजिनस बेसेस हैं जिसमें 10 प्यूरीन है, 10 पिरिमिडीन है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एडिनिन 5 हो? तो जब एडिनिन 5 होगा तो जाहिर सी बात है थाइमिन भी 5 होगा, तो ग्वानिन भी 5 होगा, तो साइटोसिन भी 5 होगा। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? नो, दिस टाइप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ बेसिस कैन नॉट बी प्रेजेंट, बिकॉज देन एवरी डीएनए विल बी सेम। हम लोग क्या बोलते हैं कि हम सबका डीएनए जो है वो एक दूसरे से अलग है, यानी आपका डीएनए मेरे से डीएनए से अलग होगा, मम्मी पापा के डीएनए कुछ अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर सबके अंदर एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन का अमाउंट सेम हो जाएगा तो सबका डीएनए एक जैसा हो जाएगा, तो सबका डीएनए एक जैसा हो जाएगा तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तभी तो फिर तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी चीजों का कोई फायदा ही नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों की जाती है? ताकि, क्योंकि सबका डीएनए क्या है? डिफरेंट है सबके एक दूसरे के डीएनए से। सो नंबर ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन थाइमिन एंड साइटोसिन विल नेवर बी इक्वल। यानी कि अगर एडेनिन प्यूरीन तो 10 है और पिरिमिडीन भी 10 है, लेकिन उस 10 में से कितना एडेनिन है और कितना ग्वानिन है, या कितना थाइमिन है या कितना साइटोसिन है, ये इक्वल नहीं होगा। हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार फिर से ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये समझना मुश्किल होता है कि एडेनिन जितना है उतना थाइमिन होगा, ग्वानिन जितना है उतना ही साइटोसिन होगा, लेकिन एडेनिन और ग्वानिन इक्वल नंबर में हो ये जरूरी नहीं है। बहुत रेयर केस में शायद ये हो भी सकता होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा ये क्या होंगे? इनके नंबर जो होंगे वेरिएबल होंगे। हाँ, अगर ऐसा नहीं कि 3 एडेनिन है तो थाइमिन 5 हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड करता है? थाइमिन के साथ। और ग्वानिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड करता है? साइटोसिन के साथ। तो अगर एडेनिन 3 है तो थाइमिन भी 3 होगा, अगर एडेनिन 4 है तो
तो थाइमिन भी 4 होगा, अगर एडिनिन 5 है तो थाइमिन भी 5 होगा, ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, या फिर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो इन दोनों का अमाउंट तो इक्वल होगा, लेकिन इन दोनों प्यूरिन्स या इन दोनों पिरिमिडिन्स का अमाउंट कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो ये एक क्वेश्चन है, इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए इफ थाइमिन इज 30% कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। अगर किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें जहां पे थाइमिन जो है वो 30% है, तो ग्वानिन का परसेंटेज क्या होगा? तो मान लेते हैं कि टोटल बेस पेयर्स क्या है 100%, ठीक है, तो 100% में से 50% प्यूरिन्स हो जाएंगे, 50% पिरिमिडिन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर 50% पिरिमिडीन है तो कौन से पिरिमिडीन के बारे में पूछा है? थाइमिन के बारे में। तो अगर 50% पिरिमिडीन्स है तो थाइमिन क्या है? 30% है, तो बचा क्या? साइटोसिन, वो क्या हो जाएगा? 20%। अब ये पूछ किसके बारे में रहा है? ग्वानिन के बारे में। तो जब पिरिमिडीन्स 50% है तो प्यूरिन भी तो 50% है, तो जब थाइमिन 30% है तो एडेनिन भी क्या हो जाएगा? 30%। तो ग्वानिन का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 20%। मे भी इस तरह का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, क्योंकि अब जो बोर्ड का पैटर्न है एग्जाम का वो चेंज होने जा रहा है, वहां पे केस बेस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। नाउ जो रूल नंबर 1 है उसको सम अप कर सकते हैं, कैसे? प्यूरीन अपॉन पिरिमिडीन हुआ ना, एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन थाइमिन प्लस साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जितना प्यूरीन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा, अगर 10 प्यूरीन है तो 10 पिरिमिडीन है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही तो बचेगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया। या फिर 20 प्यूरीन है तो 20 पिरिमिडीन भी होगा, कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? 1। जो सेकेंड वाला जो बताया था उसका अगर बेसिस बनाया जाए रूल का, ये वाला जो बताया था, ये 5-5-5 वाला या 3-7 वाला, अगर इसको रूल के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ एडेनिन इज नेवर इक्वल टू अमाउंट ऑफ ग्वानिन, यानी कि एडेनिन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो कभी भी ग्वानिन के अमाउंट के इक्वल नहीं होगा, या अमाउंट ऑफ थायमिन विल नेवर बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। जितना साइटोसिन का अमाउंट है जरूरी नहीं उतना ही थाइमिन का अमाउंट हो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। फर्स्ट रूल में क्या होगा? ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, लेकिन सेकेंड रूल के हिसाब से क्या होगा? एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन को अगर एड कर दें तो एडेनिन प्लस थाइमिन या ग्वानिन प्लस साइटोसिन कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, कितना एडेनिन प्रेजेंट है, कितना ग्वानिन प्रेजेंट है, कितना साइटोसिन, ये वैरी कर सकता है। बट दिस रेशियो इज कॉन्स्टेंट फॉर अ स्पीशीज। अगर किसी स्पीशीज की बात की जाए तो ये रेशियो कॉन्स्टेंट होगा, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर ये रेशियो कॉन्स्टेंट होगा, तो सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर वही रेशियो होगा, एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन जी प्लस सी ये इज नॉट इक्वल टू 1, ये सारे रेशियो, या डॉग्स के अंदर कुछ होगा, कैट्स के अंदर कुछ होगा, ठीक है। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इतना बड़ा डीएनए हमारे छोटे से एक सेल के अंदर कैसे पैक्ड होता है, ये भी अपना नेचर का एक अपना ही अलग मिरेकल है। टोटल लेंथ ऑफ क्रोमोजोम इन अ सेल 2.2 मीटर्स, यानी कि अगर आप अपने एक सेल के क्रोमोजोम को निकालेंगे तो उसका एक सेल के क्रोमोजोम का लेंथ क्या होता है? 2.2 मीटर्स। इतनी तो हम लोग की हाइट भी नहीं होती है जितना क्रोमोजोम का लेंथ है। और न्यूक्लियस की साइज क्या है? 10^-6 मीटर। अब इतने छोटे से न्यूक्लियस में 2.2 मीटर्स का डीएनए कैसे फिट करना है, यही हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए इज एसिडिक इन नेचर, सो इट शुड बी रैप्ड सो दैट मोर डीएनए कैन बी एडजस्टेड ऑन ए बेसिक मॉलिक्यूल विच इज अ प्रोटीन कॉल्ड ए हिस्टोन प्रोटीन। थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो गया, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में सही से लिखिएगा। तो अगर आप ये जो डीएनए देख रहे हैं, डीएनए का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है,
डीएनए की लेंथ इतनी ज्यादा है और न्यूक्लियस का साइज कितना है, 10^6 -6 मीटर, डीएनए का लेंथ है 2.2 मीटर। अब 2.2 मीटर के डीएनए को 10^-6 मीटर के न्यूक्लियस में कैसे फिट करेंगे? तो हमें क्या करना होगा, डीएनए को रैप करना होगा। जैसे ऊन का गोला देखा है ना, उसको हम लोग रैप करके क्या करते हैं, उसकी साइज जो है वो छोटी करते हैं, ठीक है। तो डीएनए एसिडिक है, तो उसको हमें किसके ऊपर रैप करना है, एक बेसिक मॉलिक्यूल पे। और ये बेसिक मॉलिक्यूल क्या होता है, क्या होता है, ये होता है हिस्टोन प्रोटीन। हाउ अ प्रोटीन बिकम्स एसिडिक और बेसिक, यानी कोई भी प्रोटीन एसिडिक या बेसिक कैसे बनता है। प्रोटीन इज मेडअप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ये आपने बायो मॉलिक्यूल्स में क्लास 11th में पढ़ा भी होगा कि प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन एक पॉलीमर होता है, सारे प्रोटीन पॉलीमर होते हैं क्योंकि वो अमाइनो एसिड के सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के अमाइनो एसिड हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो अगर एसिडिक अमाइनो एसिड ज्वाइन करेंगे तो वो एसिडिक प्रोटीन बनाएंगे, बेसिक अमाइनो एसिड ज्वाइन करेंगे तो वो कैसा प्रोटीन बनाएंगे, बेसिक। तो कोई भी प्रोटीन एसिडिक या बेसिक कैसे बनता है, ये डिपेंड करता है कि वो कैसे अमाइनो एसिड से बना हुआ है। हिस्टोन प्रोटीन इज अ बेसिक प्रोटीन एंड देयर आर 2 बेसिक अमाइनो एसिड्स विच आर फाउंड इन अबेंडेंट क्वांटिटी इन हिस्टोन, एंड दैट अमाइनो एसिड्स आर लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो हिस्टोन क्या है, एक बेसिक प्रोटीन है जो कि बेसिक अमाइनो एसिड से बना है, और इसके अंदर 2 बेसिक अमाइनो एसिड जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, वो होते हैं लाइसीन एंड आर्जिनिन। 8 पार्टिकल्स ऑफ हिस्टोन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 बॉल, हिस्टोन आर ऑफ 5 टाइप्स। तो जो ये हिस्टोन का जो बॉल होता है जिसके ऊपर ये डीएनए जाके अपने आप को रैप करेगा, इस हिस्टोन का एक बॉल बनाने के लिए 8 हिस्टोन के पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। और हिस्टोन जो होते हैं, हिस्टोन का टाइप्स कितना है, 5। तो 5 टाइप्स के हिस्टोन क्या है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो ये दो दो मॉलिक्यूल्स हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे एक बॉल बनाएंगे, यानी सबके दो दो पार्टिकल्स ज्वाइन होंगे और ये एक बॉल बनाएंगे जिसको क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर, ऑक्टोमर, ठीक है। तो ये 4 होंगे, एक पीछे की तरफ रैप है, तो ये 3D तो इमेज दिखेगा नहीं, तो 3D इमेज देखना तो आप लोग गूगल से सर्च करके देख लीजिएगा, यहाँ पे कॉपी पे सिर्फ 2D दिखाएगा। तो ये इसके पीछे भी जाके रैप होता है, तो वो हम लोग बेसिकली कॉपी में नहीं बना सकते हैं। तो ये एक हिस्टोन ऑक्टोमर बन गया। दीज 8 पीसेज ऑफ हिस्टोन्स आर ज्वाइंट टू मेक अ बॉल दैट इज हिस्टोन ऑक्टोमर। अभी ये बताए, ये जो 4, 2, 4, 6, 8, ये 8 पीसेज मिलके एक ये बॉल बनाएंगे, और इस बॉल को क्या कहेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर। दिस इज हाउ डीएनए इज रैप्ड ऑन हिस्टोन प्रोटीन एंड दिस स्ट्रक्चर विल लुक लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। तो जैसे ये क्या होता है, ये हिस्टोन ऑक्टामर बॉल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो डीएनए है ये इसके ऊपर रैप होते जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने माला देखी होगी, माला के अंदर मोती होती है ना, तो ये डीएनए भी हिस्टोन के ऊपर ऐसे रैप होते हैं जैसे लगता है कि मोतियों के ऊपर जो माला है वो क्या हो रही है, रैप हो रही है। अब यहां से और भी चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि क्लियर होना चाहिए। हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ये जो ऑक्टामर है, ये एक ऑक्टामर के ऊपर जब डीएनए रैप होता है तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। डीएनए प्रेजेंट बिटवीन 2 न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए। द H1 हिस्टोन इज ऑलवेज अटैच टू लिंकर डीएनए। यानी ये जो 2 हिस्टोन ऑक्टामर के बीच में ये जो डीएनए है, इस डीएनए को क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए, ठीक है। और जो यहाँ पे हम लोगों ने एक H1 हिस्टोन छोड़ दिया था, ये H1 हिस्टोन जो है वो इसी लिंकर डीएनए पे आके अटैच होता है, ठीक है। ऑन 1 न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर्स आर रैप्ड। यानी कि ये जो रैपिंग होती है,
ये टोटल में 200 बेस पेयर्स पर न्यूक्लियोसोम हो गया, यानी 200 इसके पास, 200 इसके पास, 200 इसके पास, ऐसा ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जितने हिस्टोन ऑक्टामर्स होंगे हर एक न्यूक्लियोसोम पे 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो क्रोम, अब हमें क्या करना है, अब इस डीएनए को क्रोमोसोम के अंदर जाके अटैच करना है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है, एनसीईआरटी अगर आप रीड करेंगे तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं, हिस्टोन प्रोटीन के अलावा भी एक प्रोटीन होता है जो कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, यानी इन शॉर्ट NHC। तो ये क्रोमोसोम के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन है जो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, तो ये यहाँ पे लिख दिया, देयर इज अ प्रोटीन इनसाइड क्रोमोसोम कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। देयर इज अनदर प्रोटीन इज न्यूक्लियोप्लाज्मिन अराउंड विच क्रोमैटिन इज रैप्ड, सो व्हेन क्रोमैटिन कम्स आउट ऑफ इट इट इज कर्ल्ड। तो ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, तो आप लोग चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो बीड लाइक स्ट्रिंग रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, यही जो है, ये अभी एक टर्म छूट गया है, ये जो क्रोमैटिन होता है, सॉरी, ये जो न्यूक्लियोसोम है जो ऐसे ही बीड्स की तरह अपियर होता है, इसे क्या कहते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग और क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, जैसे धागे में मोतियां लपेटे हुए हैं, ये ऐसे ही दिख रहा है ना, ये धागा है, इसके ऊपर ये मोतियां हैं, इनको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बीड लाइक स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें क्या दिखता है, इसके पास एक और प्रोटीन होता है जो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्मिन, तो ये आके इसके अटैच हो जाता है। तो रैप होता है, तो जैसे आपने कर्लर देखा होगा, हेयर कर्लर, तो हेयर कर्लर पे क्या होता है, हम लोग बाल को रैप करते हैं और जब उसको रिलीज करते हैं तो वो क्या होता है, बाल बिल्कुल कर्ल हो जाते हैं। तो इसी तरह क्रोमैटिन भी जो है वो क्या होगा, जब क्रोमैटिन इस न्यूक्लियो प्लाज्मिन पर रैप होगा, तो जब क्रोमैटिन इससे बाहर निकलेगा न्यूक्लियो प्लाज्मिन से, तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कर्ल शेप में हो जाएगा। नाउ दिस कर्ल्ड क्रोमैटिन विल बी रैप्ड ऑन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए हो गई, अब जैसे ही न्यूक्लियो प्लाज्मिन से ये कर्ल्ड क्रोमैटिन निकलेगा और ये क्या करेगा, इसी नॉन हिस्टोसोमल क्रोमोसोमल प्रोटीन पर जाके रैप हो जाएगा, और इसी तरह 2.2 मीटर्स ऑफ डीएनए जो है वो एक क्रोमोसोम के अंदर एडजस्ट होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सर्च फॉर द जेनेटिक मटीरियल।